सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 10 जुलाई 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 8 लाख के लगभग पहुंच गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 7,98,161 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 2,19,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 2,78,714 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 4,97,690 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 21,656 है। अब तक देश में कुल 1,10,24,491 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों के मिलने की तादाद अब पहले की तुलना में काफ़ी हद तक कम होती दिख रही है। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 8,757 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 16,341 पहुँच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 3,475, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 12,232 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 667 है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है, उनमें इंदौर में आंकड़ा 5,000 के ऊपर पहुंच गया है। इंदौर में 5,043 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 885, भोपाल में 3,278 एक्टिव मरीजों की तादाद 621, उज्जैन में 872 एक्टिव मरीजों की तादाद 17, मुरैना में एक्टिव मरीजों की संख्या 841 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 449, नीमच में 477 कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 32, ग्वालियर में कुल 770 संक्रमित मरीजों में से 380 एक्टिव, जबलपुर में कुल मरीजों की संख्या 484 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 95, बुरहानपुर में 424 एक्टिव मरीजों की तादाद 18, सागर में कुल मरीजों की संख्या 430 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 72, खंडवा में 371 कुल एवं एक्टिव 71, खरगोन में कुल 336 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 49, भिंड में 316 कुल संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 70 एवं देवास में कुल मरीज 244 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 34 है। प्रदेश में मंडला एवं अनूपपुर में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की एक खबर पर जबलपुर के जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने संज्ञान लिया है। जबलपुर पुलिस लाइन में पदस्थ 2 पुलिस कर्मियों को एसपी कार्यालय के सामने खुलेआम शराब पीना महंगा पड़ गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया द्वारा जारी वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने दोनों ही पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के द्वारा एक शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर शराब का सेवन कर रहे थे। दोनों पुलिसकर्मियों का खुलेआम शराब पीने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा था। दोनों ही जबलपुर पुलिस लाइन में पदस्थ हैं। वीडियो में दोनों एसपी कार्यालय के बाहर ही बीच सड़क पर एक बाइक पर शराब पीने से भरी गिलासों को रखे हुए और वर्दी पहनकर शराब पीते हुए दिख रहे हैं। एसपी ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हालांकि एसपी का कहना है कि जिस समय दोनों प्रधान आरक्षक शराब पी रहे थे, उस दौरान ड्यूटी पर नहीं थे, फिर भी वर्दी पहनकर इस तरह शराब पीने से पुलिस की छवि धूमिल होती है। यही वजह है कि दोनों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले की जांच आरआई को सौंपी गई है। अपने बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट की एक बार फिर जुबान फिसल गई। इंदौर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिलावट विकास दुबे एनकाउंटर के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को देश के लिए कलंक बता दिया। विकास दुबे का एनकाउंटर कानपुर में हुआ है और उसकी गिरफ्तारी उज्जैन में हुई थी। गिरफ्तारी के बाद से ही देश के हृदय प्रदेश में सियासी जंग जारी है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस सवाल उठा रही थी। अब पूर्व सीएम और बीजेपी नेत्री उमा भारती ने भी एनकाउंटर के बाद 3 सवाल दागे हैं। साथ ही कहा है कि इन रहस्यों से पर्दा उठाना चाहिए। दरअसल पूर्व सीएम उमा भारती एमपी में कैबिनेट विस्तार के बाद से नाराज चल रही हैं। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उन्होंने 3 ट्वीट कर लिखा है कि
देवेंद्र मिश्र जैसे ईमानदार डीएसपी और उनके साथ 8 पुलिस अधिकारी और सिपाहियों की निर्मम हत्या करने वाले राक्षस विकास दुबे को मार गिराने के लिए यूपी पुलिस को बधाई। यूपी पुलिस की जय हो। अभी भी उसने भाग निकलने की चेष्टा की, लेकिन वह मार गिराया गया। उमा भारती ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर 3 सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि अब 3 बातें रहस्य की परत में हैं। वह उज्जैन तक कैसे पहुंचा? वह महाकाल परिसर में कितनी देर तक रहा? उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा कि उसे कोई भी पहचान लेता, तो उसको पहचाने जाने में इतना समय कैसे लगा? उमा भारती ने कहा है कि मैं इन 3 सवालों को लेकर शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस विषय पर बात अवश्य करूंगी, क्योंकि यह सच्चाई तो सामने आ गई कि भगवान महाकाल ने देवेंद्र मिश्र जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी के हत्यारे का संहार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व में क्लीन एनर्जी का मॉडल बनेगा। भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का निर्माण किया है। हमारे प्रयास हैं कि आम आदमी अपनी जरूरत की बिजली घर पर ही पैदा करे। इस कार्य में सरकार मदद करेगी। हम प्रयासरत हैं कि देश में बेहतर सोलर पैनल बैटरी स्टोरेज बने तथा हमें विदेशों से उपकरण आयात नहीं करना पड़े। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सस्ती एवं साफ सुथरी बिजली का हब बन रहा है। रीवा ने आज वाकई इतिहास रच लिया है। सफेद बाघ के नाम से जाना जाने वाला रीवा अब विश्व में सोलर प्लांट के नाम से भी जाना जाएगा। यहाँ खेतों में लगे हजारों पैनल ऐसा एहसास दिलाते हैं मानो खेतों में फसल लहरा रही हो, गहरे समंदर का नीला पानी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, लखनऊ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भोपाल से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद पटेल, आर के सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, दिल्ली से तथा रीवा से सांसद, विधायकगण एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रीवा सोलर परियोजना से न केवल मध्य प्रदेश को बिजली प्राप्त हो रही है, बल्कि यह हर्ष का विषय है कि परियोजना अपनी 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को प्रदान कर रही है। दिल्ली की मेट्रो रीवा से चलेगी। रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 9 जुलाई तक 24,862 प्रवासी श्रमिकों को स्थायी प्रकार का रोजगार मिल चुका है। इसमें 79.5% पुरुष और 20.5% महिला हैं। प्रवासी श्रमिकों को ठेकेदार एवं लेबर कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ 94.4%, बड़े उद्योगों में 0.3%, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम में 1.2%, बिल्डर्स के यहाँ 0.5%, प्लेसमेंट एजेंसी में 2.4% और अन्य संस्थानों में 1.2% रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रतिमाह वेतन 9,000 से 15,000 रुपये तक प्राप्त हो रहा है। अपर मुख्य सचिव श्रम राजेश राजोरा ने जानकारी दी है कि 3,55,864 प्रवासी श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही 1,89,059 प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रवासी श्रमिकों में से संबल योजना में पात्रता रखने वाले 3,40,715 प्रवासी श्रमिकों का संबल योजना के पोर्टल पर पंजीयन किया गया है। इसी प्रकार 16,214 प्रवासी श्रमिकों को पात्रतानुसार मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पोर्टल पर पंजीयन किया गया है। इससे इन्हें संबल या मंडल की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। आत्मनिर्भर भारत एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत 13,10,186 प्रवासी श्रमिकों को प्रति माह राशन वितरित किया जा रहा है। रोजगार सेतु पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों के साथ आए 6 से 14 वर्ष के उम्र के 2,06,425 बच्चों में से 75,385 को स्कूल में प्रवेश दिया गया है। शेष बच्चों को स्कूल चले अभियान के अंतर्गत स्कूल खुलने पर निशुल्क प्रवेश के लिए लक्षित किया गया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं
वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना और लॉकडाउन का असर अब चाय की कीमत पर भी दिखाई देने लगा है। बीते कुछ दिनों में यहाँ चाय पत्ती के दाम में 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हुआ है। खुली चाय के साथ कंपनियों की पैक्ड चाय पर भी बड़ी कीमतों का असर है। थोक व्यापारियों का कहना है कि आसाम व पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में मजदूरों की कमी है, जिसका असर चाय की कीमतों पर पड़ा है। हालांकि एक महीने बाद दाम फिर से कम होने की उम्मीद भी है। राजधानी में चाय के थोक के 30 एवं 100 से अधिक रिटेल कारोबारी है, जहाँ खुली चाय पत्ती बिकती है। किराना दुकानों व शॉपिंग मॉल में कंपनियों की पैक्ड चाय पत्ती बिकती है। भोपाल टी मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू अग्रवाल ने बताया कि जुलाई, सितंबर, अगस्त व अक्टूबर माह चाय के उत्पादन का सीजन रहता है। चूंकि लॉकडाउन में आसाम व पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों का पलायन हुआ है, इस कारण जुलाई माह में उत्पादन पर असर पड़ेगा। दूसरी ओर मार्च, अप्रैल व मई में लॉकडाउन की वजह से काम बंद रहा, इससे सप्लाई व उत्पादन पर असर पड़ा है। इन कारणों से खुली चाय के दाम 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। भाई बहन के प्रति का प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन इस बार 3 अगस्त को कई शुभ संयोग में मनाया जाएगा। इस बार श्रावणी पूर्णिमा के साथ महीने का श्रावण नक्षत्र भी पड़ रहा है, इसलिए पर्व की शुभता और बढ़ जाती है। श्रावणी नक्षत्र का संयोग पूरे दिन रहेगा, हालांकि सुबह 7:15 बजे तक भद्रा रहेगा। भद्रा काल में पर्व मनाना शुभ नहीं है, इसलिए यह समय निकल जाने के बाद ही पर्व मनाएं। ज्योतिषियों के अनुसार रक्षाबंधन के पर्व पर इसके पूर्व में भी कई बार भद्रा की स्थिति बनी है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 3 अगस्त को सुबह 7:15 बजे तक भद्रा काल की स्थिति बन रही है। इस काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुभ नहीं माना गया है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह 9 से 10:30 बजे तक शुभ, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक चल की चौघड़िया, दोपहर 3 से 4:30 बजे तक लाभ की चौघड़िया, शाम 4:30 से 6 बजे तक अमृत की चौघड़िया, शाम 6 से 7:30 बजे तक चल की चौघड़िया का योग बन रहा है। ध्यान रखें कि यदि पूर्णिमा के दौरान अपरा काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्त में हो तो पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चाहे कोई भी स्थिति क्यों न हो, भद्रा होने पर रक्षाबंधन मनाना निषेध है। ग्रहण, सूतक या संक्रांति होने पर यह पर्व बिना किसी निषेध के मनाया जाता है। गैंगस्टर विकास दुबे का भले आज भागने के दौरान एनकाउंटर में मारा गया हो, लेकिन मरने से पहले उसने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस को पूछताछ के दौरान दी थी। उज्जैन पुलिस की हिरासत में जाने के बाद गैंगस्टर विकास दुबे ने पुलिस अफसरों को उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 पुलिस कर्मियों की हत्या से जुड़ी कई अहम जानकारियां बातचीत के दौरान दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार वह अपनी गैंग द्वारा हत्या की बात तो कबूलता रहा, लेकिन खुद हत्या में शामिल होने से इनकार भी करता रहा। कानपुर गोलीकांड में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्र के बारे में विकास ने पुलिस को बताया कि उसका सीओ मिश्र से कई बार विवाद हो चुका था। आसपास के थानों में पदस्थ कई पुलिस कर्मियों ने जानकारी दी थी कि सीओ मेरे खिलाफ है, इससे मुझे सीओ पर बहुत गुस्सा आता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार विकास ने पूछताछ में यह भी बताया कि सीओ को उसने नहीं मारा, मेरे साथियों ने अहाते से मामा के आंगन में जाकर सीओ पर हमला किया। वे मेरे पैर को लेकर अक्सर कहा करते थे, विकास का एक पैर गड़बड़ है, मैं दूसरा भी ठीक कर दूंगा। इसलिए मेरे लोगों ने उनके पैर पर वार करने के बाद पास से सिर पर गोली मारी थी। दुबे ने यह भी बताया कि उन्हें यह पता चल गया था कि पुलिस छापा मारने आने वाली है, लेकिन वे रात में ही पहुंच जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। पुलिस कर्मियों को मारने के बाद सबूत मिटाने के लिए सभी को एक साथ जलाने की तैयारी थी। इसके लिए घरों में रखे गए तेल का इस्तेमाल करने वाले थे। पुलिस कर्मियों के शवों को भी एक जगह इकट्ठा कर लिया गया था, लेकिन फिर और फोर्स आने की सूचना मिली तो जिसे जहां से जगह मिली भाग निकला। उधर पुलिस ने पूछताछ के मुद्दे पर अधिकृत रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कोरोना महामारी का असर सभी 30 त्योहारों के साथ गणेश उत्सव पर भी देखने को मिल रहा है। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, इसी दिन से गणेश उत्सव मनाया जाता है, जो कि अनंत चतुर्दशी तक चलता है। गणेश उत्सव प्रारंभ होने से लगभग 1-2 माह पहले से ही शहर में विराजने वाली बड़ी गणेश प्रतिमाओं के ऑर्डर कारीगरों के पास आना प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते 9 जुलाई तक प्रतिमा बनाने वाले कारीगरों के पास
इस बार एक भी ऑर्डर नहीं आया है। गणेश चतुर्थी पर अनेक शहरों में गणेश प्रतिमाओं को विराजमान किया जाता है। इन प्रतिमाओं को बनाने का कार्य सावन मास के प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार अब तक शहर में मूर्तिकारों के पास एक भी ऑर्डर नहीं आया है। आप सुन रहे थे रीमाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 10 जुलाई का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 11 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।